इलेक्ट्रोलक्स इन्वर्टर एसी एरर कोड, अगर P0 एरर कोड आ रहा है तो आउटडोर का कंप्रेसर का मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है, इसीलिए P0 का एरर कोड आ रहा है। अगर LP एरर कोड आएगा तो इनडोर टू आउटडोर नॉट मैचिंग, अगर L3 एरर कोड आ रहा है तो आउटडोर का DC फैन मोटर का फॉल्ट है। अगर D1 का एरर आ रहा है तो आउटडोर का कंप्रेसर बंद है, इसीलिए D1 का एरर कोड आ रहा है। इलेक्ट्रोलक्स AC इन्वर्टर में अगर E3 एरर आ रहा है तो इनडोर का फैन मोटर फॉल्ट है, इनडोर का फैन मोटर आउट ऑफ कंट्रोल। अगर PL का एरर आ रहा है तो AC में लो वोल्टेज का रीज़न हो सकता है, इसीलिए PL का एरर आ रहा है। अगर H6 एरर आ रहा है तो इनडोर का फैन मोटर भी फॉल्ट है। अगर E3 और H6 ये दोनों एरर कोड में इनडोर का फैन मोटर का फॉल्ट होगा। अगर H3 का एरर आ रहा है तो कंप्रेसर में ओवरलोड का प्रोटेक्शन प्रॉब्लम है, इसीलिए H3 का एरर आ रहा है। इलेक्ट्रोलक्स इन्वर्टर AC, यहाँ पे F5 एरर कोड आ रहा है तो इसका मतलब ऑडियो का फैन मोटर, आउटडोर यूनिट का फैन मोटर आउट ऑफ कंट्रोल, इसीलिए F5 एरर कोड आ रहा है। अगर E3 एरर कोड आ रहा है तो रेफ्रिजरेंट ब्लॉकेट या गैस नहीं है AC में, इसीलिए E3 का एरर आ रहा है। अगर E5 एरर आ रहा है तो ओवर वोल्टेज आ रहा है, इसीलिए E5 एरर आ रहा है। अगर E4 एरर आ रहा है तो कंप्रेसर में हाई प्रोटेक्शन का फॉल्ट है। अगर इलेक्ट्रोलक्स इन्वर्टर AC में E6 एरर आ रहा है तो कम्युनिकेशन का फॉल्ट है, इसीलिए E6 एरर आ रहा है। अगर F1 एरर आ रहा है तो इनडोर का रूम टेम्परेचर का फॉल्ट है, इसीलिए F1 का एरर आ रहा है। अगर F2 एरर आ रहा है तो इसका मतलब इनडोर में कॉइल टेम्परेचर का फॉल्ट है, इनडोर में कॉइल टेम्परेचर का फॉल्ट है, इसीलिए F2 एरर आ रहा है। अगर F3 एरर आ रहा है तो आउटडोर एम्बिनेट सेंसर का फॉल्ट है, आउटडोर एम्बिनेट सेंसर का फॉल्ट है। अगर इलेक्ट्रोलक्स इन्वर्टर AC में F4 एरर आ रहा है तो आउटडोर का कॉइल टेम्परेचर का सेंसर फॉल्ट है, इसीलिए F4 का एरर दिखाई दे रहा है। अगर F5 एरर आ रहा है तो इसका मतलब आउटडोर का डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट है, इसीलिए F5 का एरर आ रहा है। अगर H5 एरर आ रहा है इसका मतलब आउटडोर PCB में IPM प्रोटेक्शन फॉल्ट है, इसीलिए H5 का एरर आ रहा है। अगर F6 एरर आ रहा है तो इसका मतलब एंटी हाई टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट है, इसीलिए F6 एरर। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।